नमस्कार, मैं भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की तरफ से आप सभी को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया भर के करोड़ों मेहनतकशों के लिए आज का दिन किसी त्यौहार से कम नहीं। मजदूरों और कामगारों की मेहनत और लगन के बदौलत ही आज देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। मजदूरों की इसी महत्वता को याद दिलाता है मजदूर दिवस। हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के नाम समर्पित है जिन्होंने अपने खून पसीने से देश और दुनिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी भी देश, समाज, संस्था एवं उद्योग में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों का योगदान अतुलनीय है। भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को हुई थी। इस समय इसको मद्रास दिवस के तौर पर प्रमाणित कर लिया गया था। इसकी शुरुआत भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता कॉमरेड सिंगरावेलु चित्तेर ने की थी। मजदूर दिवस का विशेष महत्व है और हो भी क्यों ना। यह दिवस उन लोगों के नाम है जो इस दुनिया के विकास की रीढ़ है। यह दिवस याद दिलाता है अगर मजदूर ना होते तो आधुनिकता की जिस चमक पर हमें गर्व महसूस करते हैं वो अस्तित्व में ही ना हो। यह विकास, संपन्नता और ऐशो आराम मजदूरों की ही देन है। ऐसे में हमें मजदूर दिवस के बहाने इन कामगार मेहनतकश लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हाय, हैप्पी लेबर डे टू ऑल। आज लेबर डे के ओकेशन पे हम इंडिया के लेबर लॉस के बारे में बात करेंगे। इंडिया में लेबर लॉस को ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहली है वर्किंग कंडीशंस, जो ये बताती है कि इंडिया में जो लेबर लॉज हैं वो किस उसमें लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं उनके वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सब इस कैटेगरी के अंदर है। सेकेंडली इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो ये वो लॉज हैं जो रेगुलेट करते हैं वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच के रिलेशंस को। थर्ड वेजेस, यानी जो रेगुलेट करते हैं वेजेस पेमेंट को, सैलरी पेमेंट एक्सेट्रा को। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी, दैट रेगुलेट द फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वर्कर्स। इंडियन लेबर लॉज एक्चुअली इनका वेरियस इंडस्ट्रीज में बेसिक फंक्शन है एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करना। प्रेजेंटली इंडिया में सेंट्रल लेवल पे 50 स्टैट्यूट्स हैं जो लेबर लॉज को रेगुलेट करते हैं, स्टेट लेवल पे उससे भी कहीं ज़्यादा। और इनका बेसिक फंक्शन है वर्कर की प्रोटेक्शन करना, बिकॉज हमने देखा है कि इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन करने से कभी बाज नहीं आते हैं। तो बेसिकली इन वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए इन वेरियस लेबर लॉज को इनैक्ट किया गया था। इंडियन लेबर लॉज के अंडर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो लेबर लॉज के वायोलेशन में नहीं हो सकता है, या स्टैंडिंग ऑर्डर्स के वायोलेशन में नहीं हो सकता है। हम आज मेनली कुछ मेजर लेबर लॉज की बात करेंगे जो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनैक्ट किए हुए हैं। पहले हम बात करेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की, जो प्रिस्क्राइब करता है वेरियस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, जो इस एक्ट के अंदर की गई है, किसी भी वर्कर को कितना सैलरी मिलेगी, कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा। ये वेरियस कैटेगरीज हैं अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर एंड हाईली स्किल्ड लेबर। इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट की। जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट है, इसमें वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन के बारे में बताया जाता है, जो उन वर्किंग कंडीशन को स्पेसिफाई करता है, और साथ साथ एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर भी प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज अपने खुद के स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाती हैं। थर्डली हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की बात करते हैं, जो ये बताता है कि किसी भी वर्कर के वेजेस की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। उस एक स्पेसिफिक वेज पीरियड को प्रिस्क्राइब करता है, और इस वेजेस की पेमेंट किस मोड के थ्रू होगी वो सब भी यही एक्ट प्रोवाइड करवाता है। फोर्थली वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, जो बताता है कि अगर ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई भी वर्कर इंजर हो जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में कॉम्पेंसेशन किस तरह से मिलेगा, या डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा कॉम्पेंसेशन का, वो ये एक्ट बताता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, जो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच के डिस्प्यूट्स और वर्कर्स के बीच के डिस्प्यूट को सेटल किस तरह करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह होगी, ये सब बताता है। नेक्स्ट इस एक्ट में लॉकआउट्स और स्ट्राइक्स में वर्कर्स के राइट्स और एम्प्लॉयर्स की पावर
और एम्प्लॉयर्स की टर्मिनेशन की पावर, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये सब भी प्रिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो बताता है फैक्ट्री होती क्या है, उसमें रेगुलेशन किस तरह के होंगे, वो फैक्ट्री वर्कर के राइट, इमरजेंसी पावर्स एक्सेट्रा, इस सब के बारे में बात करता है। नेक्स्ट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कंपल्सरी सेविंग सिस्टम की बात करता है, जिसे हम फंड्स के रूप में जानते हैं, जिसमें एक वर्कर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये सब है। नेक्स्ट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो फीमेल्स के एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को रेगुलेट करता है आफ्टर एंड बिफोर द बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड, इसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स जैसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो फीमेल एम्प्लॉयज के फायदे के लिए हैं। ये कुछ मेजर एक्ट्स थे, इसके अलावा और भी कई एक्ट्स हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, बट ये मेजर वो लॉज हैं जो ऑलमोस्ट हर तरह के वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को अफेक्ट करते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू। Hi, my name is Agastya and I shall be speaking about the Industrial Relations Code Bill that was introduced in Parliament in late 2019. Now, essentially, the Industrial Relations Code Bill was promoted as a streamlining or a simplification of the existing labor codes and labor laws. It creates four labor codes. The first being wages, the second being industrial relations, the third being social security and occupational safety, and the fourth being health and working conditions. Now, this code bill basically merges three older labor laws, one from 1926, the Trade Unions Act, and two from the independence age, 46 and 47, the Industrial Employment Act and the Industrial Disputes Act of 1947. Now, essentially, one of the things that this code bill does is it introduces the concept of fixed-term workers. Now, a fixed-term worker is employed directly and on the basis of a written contract for a fixed period. The flexibility to tweak the length of the contracts depends completely on the seasonability of the industry. Fixed-term workers will be treated at par with regular workers. So essentially, a fixed-term contract is a contract where an employer or an establishment hires laborers for a fixed period of time with a fixed pay. Now, the basic problems with fixed-term contracts are, one, globally, it's seen that whenever there are fixed-term contracts introduced, the industry sees a huge transition of the labor force into unemployment. Further, under fixed-term contracts, even though they are at par with regular workers, they are presumably paid less. We haven't seen the operation of the labor code bill. However, presumably, as across the world, fixed-term contracts pay less. Further, they might not get or be compensated in case of a retrenchment. Now, a retrenchment in labor codes or labor laws is a situation in which the establishment takes disciplinary action by firing its labor force. Now, in such a situation, fixed-term workers, even though they are at par with regular workers, won't get the benefits that they are entitled to. For example, compensation or a settlement agreement. They can just be fired. एक नज़्म है यौमे मई, आज मजदूर दिवस है, उस पे सुरूर बाराबंकी साहब की लिखी हुई है कि आज मई का पहला दिन है, आज का दिन मजदूर का दिन है, जुल्म सितम के मध्य मुकाबिल हौसलाए जमहूर का दिन है, आज का दिन ये इल्म हुनर का, फिक्र अमल की फतह जफर का, आज शिकस्त जुल्मत शब है, आज फरोग नूर का दिन है, सदियों के मजलूम इंसान ने आज के दिन खुद को पहचाना, आज का दिन है यौम अनल हक, आज का दिन मंसूर का दिन है, अपने लहू का परचम लेकर आज के दिन मजलूम उठे थे, एक नई उनवान की रिवायत, एक नए दस्तूर का दिन है,
अब न कभी हम जुल्म सहेंगे जब सितम पे चुप न रहेंगे, एक नए ऐलान के साथ एक नए मंशूर का दिन है।